हेलो इंजीनियर जी, सुप्रभात शांति। तो आज आपके लाए है कीपैड मोबाइल या फिर आपके स्मार्ट मोबाइल, दोनों मोबाइल से आप आसानी से कॉलिंग करके किसी भी लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। पहले हम लोग बनाते थे क्या कि स्मार्टफोन से हम लोग ऑन ऑफ कर सकते थे कोई भी ऐप इस पे डाउनलोड करके, लेकिन आप अभी कीपैड मोबाइल पे भी ये फैसिलिटी मैंने कर दिया है। आप इस पर कॉलिंग करेंगे और 1 2 3 4 दबाएंगे तो आपके घर का जो लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, किसी भी जगह से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे किस प्रकार से ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। तो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इस सिम टूल के बारे में जानना होगा। इस पर ज्यादा कुछ पिन हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ पिन को हम लोग यूज करेंगे। तो ये सिम टूल आप देख सकते हैं, इसका मॉडल SIM800L। तो इसका IMEI नंबर भी इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो IMEI नंबर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर जो पिन है, पिन का डायग्राम मैं बोल देता हूँ क्या है। यहाँ पे जो पिन आप देख रहे हैं ये है रिंग, मतलब यहाँ पे हम लोग बाजर को लगाएंगे, जब भी मैसेज आएगा तो बाजर सिग्नल दे देगा, ठीक है। और बाकी सारे माइक्रोफोन वगैरह है तो इस पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे अभी, क्योंकि फोन के जब भी फोन बनाएंगे हम लोग इसको यूज करना पड़ेगा। सिर्फ इस पर जो रिंग है, रिंग को हम लोग यूज करेंगे। और इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट पिन है इसको हम लोग एंटेना पे यूज करेंगे, उसके बाद BCC यानी कि 5 वोल्ट देंगे इसमें, उसके बाद जो है वो रिसेट है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद होगा जो कि RX, उसके बाद TX, उसके बाद होगा ग्राउंड। तो यही पिन हम लोग यूज़ करेंगे। और सिम लगाने के लिए कोई भी 2G सिम आपको इस पर लगाना होगा, अगर 4G लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। तो 2G सिम को हम लोग यहाँ पे इस तरह फिट कर देंगे। तो ये फिट हो गया है, अभी हम लोग इसके ज़रिए हम लोग सर्किट को बनाएंगे। तो चलिए अभी पहले हम लोग सर्किट को बनाते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे माइक्रोकंट्रोलर मैंने लगाया है और यहाँ पे सिम टूल लगाया है, जो सिम टूल हम लोग आसानी से इस पर कॉलिंग करके काम कर सकते हैं। और इस पर जो IMEI नंबर ऑलरेडी इस पे दिया है, आप कोई भी सिम इस पर डाल सकते हैं, डालने के बाद ये काम करेगा, लेकिन इस पर 4G काम नहीं करेगा। 2G या 3G सिम को आप इस पर लगा के आसानी से काम कर सकते हैं। तो अभी इस माइक्रोकंट्रोलर पे हम लोग प्रोग्रामिंग को अपलोड करेंगे। तो चलिए प्रोग्रामिंग को पहले देख लेते हैं, इस पर किस पर से फोन मोबाइल नंबर कहाँ पे देना पड़ता है, सब कुछ आपको डिटेल्स में दिखाएंगे। तो अभी हम लोग जो कि कोडिंग पे आ गए हैं, तो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग है इस पर देखिए, ज्यादा कुछ इस पे आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस पर जो नंबर आप लोग यहाँ पे लिखा आ रहा है, सेंडर फोन नंबर हेयर विथ कंट्री कोड, मतलब आप कंट्री कोड के साथ आप आपका फोन नंबर इस पे डालेंगे। डालने के बाद आप इसको आउटपुट कर देंगे माइक्रोकंट्रोलर या आर्डिनो पे, करने के बाद ये आसानी से ये काम करेगा। तो अभी देखिए ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लगाया है, एक माइक्रोकंट्रोलर लगाया है और यहाँ पे 4 बटन हमने फिट किया है, जो बटन से हम लोग मैन्युअली लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसी माइक्रोकंट्रोलर के जरिए यहाँ पे जो सिम हमने लगाया है, जो सिम मॉड्यूल है 800L जो है उसको हमने लगाया है, और इसी सिम के जरिए इसी सिम पे हम लोग फोन करेंगे और इसी सिम के जरिए माइक्रोकंट्रोलर काम करेगा।
करने के बाद इस रिले पे आउटपुट देगा, और इस रिले के मदद से हम लोग कोई भी हाई वोल्टेज करके लाइट ग्लो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग किसी भी मोबाइल से हम लोग इस पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर SMS करके भी हम लोग इसको जला सकते हैं। तो मैं एक फ़ोन स्मार्टफोन से कॉल करूँगा, आप कीपैड मोबाइल से भी जो कि फ़ोन करके आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मैं मेरा स्मार्टफोन यूज़ करूँगा, तो अभी देखिएगा मैं यहाँ पे स्मार्टफोन यहाँ पे नंबर को डायल कर रहा हूँ। तो जब भी कॉलिंग लग जाएगा इस पर ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। तो अभी कॉलिंग लग गया है, तो अभी हम लोगों को सिर्फ जो इस पर जो 123 है वो उसको हम लोग टाइप करना है। तो यहाँ पे जाके जब भी एक नंबर दबाएंगे एक नंबर लाइट ग्लो का होगा, तो ये ग्लो कर रहा है। तो अभी दो नंबर को दबाएंगे तो दो नंबर भी ग्लो कर रहा है। तो दो नंबर को फिर से ऑफ करेंगे, दो नंबर ऑफ हो गया है, एक नंबर को ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं चार नंबर को दबाऊंगा तो चार नंबर यहाँ पे ग्लो हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं चार नंबर को बंद कर दूंगा, तो अभी चार नंबर बंद हो गया है। तो इस तरह ये काम करता है, और आप मैन्युअली भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बटन दबाया है, बटन को दबाएंगे तो ऑन होगा, तो इस तरह, और एक बार दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। तो इस तरह ये काम करता है। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से किसी भी मोबाइल से हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं घर के लाइट को या फैन को। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।